इन वर्गों के लोगों को संगठित होकर वे अपना एक अलग से राजनीतिक प्लेटफार्म बनाकर इन्हें फिर खासकर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ही लेनी होगी। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के खास मौके पर अपने ऐसे सभी दुखी व पीड़ित लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यदि इन लोगों ने स्वाभिमान के साथ खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाबा साहब की बात मानी होती, साथ ही ये लोग जातिवादी व पूंजीवादी पार्टियों के बहकावे में नहीं आए होते, तो आज हमें पूरे देश में इस फैली महामारी के दौरान इनकी ऐसी खराब व दयनीय दुर्दशा देखने के लिए नहीं मिलती। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अपने इन वर्गों के लोगों को स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि मैंने काफ़ी कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को अर्थात दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने व खुद के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, जिसमें वोट देने का खास अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए इन वर्गों के लोगों को संगठित होकर वे अपना एक अलग से राजनीतिक प्लेटफार्म बनाकर इन्हें फिर खासकर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ही लेनी होगी, जिसकी तरफ अभी तक भी इन वर्गों के लोगों का बराबर ध्यान नहीं जा रहा है, जो ये काफ़ी चिंता की भी बात है। और फिर ये स्वाभाविक है कि ऐसे में इनकी हमेशा यही दुर्दशा बनी रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में देश में लॉकडाउन लगने के बाद इनकी हमें काफ़ी दुर्दशा देखने के लिए मिली है, और इस मामले में वैसे इनको देश की राजधानी दिल्ली से भी काफ़ी कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, जहां भी हाल ही में विधानसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आम आदमी पार्टी ने इन्हें किस्म किस्म के प्रलोभन देकर इनका वोट तो ले लिया और अपनी फिर से यहां सरकार भी बना ली। लेकिन यहां विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस जातिवादी व गरीब विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनकी इस मुश्किल की घड़ी में मदद करने की बजाय बल्कि इनको पर्दे के पीछे से खुद आनंद विहार बस अड्डे पर भिजवा के इन्हें इनके मूल राज्यों में जाने के लिए मजबूर और कर दिया। लगभग ये स्थिति हमें इन लोगों के अन्य और राज्यों में भी देखने के लिए मिली है, किंतु इससे अब इन वर्गों के लोगों को बहुत कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है, और अब वास्तव में इन्हें अपने अपने खुद के मूल राज्यों में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन्हें वहाँ इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि अपनी खुद की एकमात्र हितेशी पार्टी BSP की ही सरकार बनानी होगी। इसके साथ ही इन्हें फिर आगे चलकर केंद्र में भी अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी, ताकि फिर इनको आगे कभी भी ऐसे अपमानजनक व दुर्दशा वाली स्थिति ना झेलनी पड़े। और अब इसके लिए इनको मेरी यही खास सलाह है कि सबसे पहले इन सभी वर्गों के लोगों को अपनी इस पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जुड़ना है, तथा हर प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत भी बनाना है। जो ये पार्टी बाबा साहब के अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से लगी है, हालांकि इस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आए दिन यहाँ विरोधी पार्टियाँ साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे भी इन सभी वर्गों के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो विरोधी पार्टियां पर्दे के पीछे से हमारे लोगों में से ही कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके व उनके जरिए अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी बनवा के उनके वोटों को बांटने का भी पूरा प्रयास कर रही हैं, ताकि ये लोग कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकें और हमेशा इनके गुलाम व लाचार ही बने रहें।
जबकि इस मामले में यह खास ध्यान देने की बात यह है कि बाबा साहब ने इन वर्गों के हितों के लिए कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचा है और अपने बड़े से बड़े ओहदे तक को भी इन्होंने कुर्बान कर दिया है और इस बात के अनेकों सबूत हैं जिनसे प्रेरणा लेकर इनके अनुयायियों को अपनी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और इन्हें सत्ता तक पहुंचकर फिर अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही करना है। अर्थात इसके लिए इनको दूसरों से मांगने वाला नहीं बल्कि खुद देने वाला समाज ही बनना है और ये बाबा साहब का अपने लोगों के लिए मूल मंत्र भी था। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों, गरीबों तथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन सभी समुदायों में से जो लोग अभी तक भी इधर उधर भटके हुए हैं तो वे लोग बाबा साहब के इस मूल मंत्र पर अमल करते हुए अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की पार्टी को ही अर्थात BSP को ही सभी स्तर की सत्ता में जरूर लाएंगे और यही इनकी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर इनके प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः बाबा साहब की जयंती के मौके पर भी अपनी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों व सामर्थ्यवान लोगों से भी ये अपील करती हूँ कि वे इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस की मार झेल रहे जरूरतमंद लोगों की बराबर मदद करते रहें। हालांकि अभी तक अच्छी बात ये रही है कि इस मामले में ये लोग शुरू से ही मेरी हर अपील पर इनकी हर संभव पूरी मदद करते रहे हैं और इसी प्रकार ये लोग जरूरतमंद लोगों की आगे भी जरूर मदद करते रहेंगे जब तक ये बीमारी पूरे देश से यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। ऐसी मैं उनसे अपील भी करती हूँ। इसके साथ साथ इस महामारी से बचने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी समय समय पर जो भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और संभव है कि अभी आगे और भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो उन पर भी हमारी पार्टी के लोग जरूर अमल करेंगे। इसके साथ ही हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से देश में जारी लॉकडाउन की हर स्तर पर गहन समीक्षा करके वह व्यापक जनहित का भी पूरा ध्यान रखकर यदि केंद्र सरकार कुछ शर्तों के साथ भी इसे और आगे बढ़ाने का कोई आज फैसला लेती है तो BSP इसका समर्थन व पूरा स्वागत भी करेगी। लेकिन यह हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि ऐसे समय में केंद्र सरकार को खासकर देश के गरीबों, कमजोर तबकों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनत कश लोगों आदि के हितों का तथा इनकी पूरी मदद का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए और इस मामले में खासकर यह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादातर लोगों की ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि जिनके पास कोई राशन कार्ड आदि नहीं है तो उन्हें अभी तक भी राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इसका जल्दी ही कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए वरना ये लोग कोरोना से कम बल्कि भूखे रहकर ज़्यादा मर जाएंगे। इसके साथ ही जो लाखों गरीब व मजदूर लोग पैसा ख़त्म होने व वहाँ की सरकारों की अनदेखी करने की वजह से मजबूरी में अपने अपने राज्यों को निकल पड़े थे तो अब वो ज़्यादातर बीच में ही अटके पड़े हैं। उन्हें एक वक्त का भी पूरा पेट भर के खाना नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे लोगों की भी समस्या का सरकार को जल्दी ही कोई ना कोई सार्थक हल जरूर निकालना चाहिए ताकि ये लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंच सके और वहां भी सरकार को इनकी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिए वरना इससे आगे चलकर स्थिति काफ़ी बदतर हो सकती है। इसलिए सरकार को इन सब मामलों में भी बहुत जल्दी कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ये भी सरकार से मेरी अपील है और इतना ही नहीं बल्कि इस महामारी से जूझने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सों, सफाई व पुलिस कर्मियों तथा अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसी देश सेवा में लगे अन्य सभी लोगों के हर प्रकार के बचाव व उनकी पारिवारिक सुरक्षा आदि के लिए भी
केंद्र व राज्य सरकारों को काफ़ी गंभीर व तत्पर दिखना चाहिए और इनसे सेवा ले रही जनता को भी इनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई होती रहे और फिर ये लोग अपनी ड्यूटी पर पूरे जी जान से डटे रहें। अंत में मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों से व खासकर बीएसपी के लोगों से भी यह अनुरोध करती हूँ कि वे कोरोना महामारी के चलते आज ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनका कोई भी पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए और वे अपने खुद के भोजन में से उनके लिए भी थोड़े भोजन आदि की व्यवस्था जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।